Bismillah Hirrahma nirrahim Welcome to Sandal College voice section Dear students Assalamu alaikum here is Akhtar Said, your English teacher I hope you might be safe and sound with your families I wish you the best of luck Today we'll discuss past indefinite tense but before discussing the past indefinite tense I would like to tell you the importance of tenses in any language टेंसिसज़ प्ले आ सिग्निफिकेंट रोल इन कंस्ट्रक्टिंग अनिंगफुलेंटेंस फॉर द रीडर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल द लैंगवेज़ ऑफ द वर्ल्ड टू ये इंग्लिश में ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम लैंगवेज़ में जो टेंस हैं वो किसी भी रीडर के लिए एक बाानी एक इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में एक अहम रोल अदा करते हैं टेंसिज़ आर प्राइमेरली कैटेगराइज इन टू पास्ट Present and future tense. It shows. It means tense shows the time of an action, a state of being that is usually shown by a verb with its different forms. Different forms mean, uh, for example, first form, second form, third form, and fourth form. Now, discuss past indefinite tense. We start with its definition. पास्ट इनडेफिनट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट ये किसी ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि माजी में वाक़ हुआ एंड विच डज़ेंट एक्सटेंड इन टू द प्रेजेंट और वो प्रेजेंट यानी मौजूद लम्हे तक एक्सटेंड करके नहीं आ रहा बल्कि वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया माजी में ही वाक़ हो, हो गया माजी में ही वो एक्शन हो गया अब देखते हैं कि उर्दू फ़कर में पास्ट इंडेफिनट टेंस की पहचान क्या होती है उर्दू फ़िक्रा के आखिर में या यी या फिर ये आता है अब देखते हैं सेंटेंसेस के कैसे पास्ट इंडेफिनट टेंस का पता चलेगा उसने सबक याद किया एंड पे आया किया किया से पता चला कि ये पास्ट इंडफिनेट टेंस का सेंटेंस है एक और मिसाल देखते हैं आयशा ने आइसक्रीम खाई एंड पे आया छोटी ये खाई तो पता चला ये पास्ट टेंस की ही पहचान है एक और मिसाल देखते हैं बच्चों ने गीत गाए ये बड़ी ये आई तो ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो उर्दू फिक्रा के आखिर में या छोटी ये या फिर बड़ी ये आ जाए तो उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे अब जरा देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस की कंस्ट्रक्शन क्या है इसका फॉर्मूला क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं आपने देखा होगा मैंने सारे ही नाउन्स और प्रोनाउन्स लिख दिए हैं जैसे आई एंड वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट एंड दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन और तमाम के तमाम नाउन्स इसका मतलब है चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो यानी सब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी आ जाए कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए उसके बाद हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड तो फॉर्म यूज़ करेंगे जैसे राइट की सेकंड फॉर्म रोट तो सिंपल सेंटेंस में रोट यूज़ करेंगे पास्ट इनडेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम रोट तो यूज़ करेंगे ड्रिंक uh, की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक तो पास्ट इन टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम ड्रैंक यूज़ करेंगे गो की सेकंड फॉर्म होती है गो पास्ट इन टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम गो की सेकंड फॉर्म वेंट यूज़ करेंगे यानी ये सब्जेक्ट हो गया और इसके बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करके आखिर पे हम ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे ये हो गया इसका सिंपल सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट्स इस हिस्से को सब्जेक्ट कहते हैं सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है यानी कि वो जो कोई अमल करे वो कोई काम करे और सेकंड होता सेकंड स्टेप क्या होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सेंटर में क्या होता है वर्ब होता है वर्ब क्या होता है ये वो एक्शन होता है जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है और एंड पे थर्ड जो पार्ट होता है दैट इज़ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट ने ये वाला काम इस पे किया ऑब्जेक्ट पे किया तो किसी सेंटेंस के बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सिंपल सेंटेंस की है ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पॉजिटिव सेंटेंस की है या असर्टिव सेंटेंस की है अब देखते हैं अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट इनडेफिनेट टेंस का तो क्या करेंगे शुरू में सब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के फौरी बाद हम डिड नॉट लगाएंगे डिड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे ये बात ज़रा समझने की है कि सिंपल सेंटेंस में तो हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की लेकिन जब नेगेटिव बनाया तो डिड नॉट लगा के ये वाली सेकंड फॉर्म डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ये आपने नहीं भूलना अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि डिड नॉट के के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे यह हो गया नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन अब अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है चाहे नेगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाएं, चाहे हम इस सिंपल सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाएं हम ये वाला डिड जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में इधर ले आएंगे और एंड पे हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगटिव सेंटेंस uh, की कंस्ट्रक्शन या उसका फॉर्मूला हो गया अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिनकी हम ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस में मैंने एक सेब खाया अब कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस का है आप जब भी कोई भी सेंटेंस करें उसके स्टेप्स फॉलो करें जो मैं करने जा रहा हूँ आप एंड पे देखें क्या है एंड वाले जो वर्ड्स हैं यही डिटरमिन करते हैं कि ये कौन सा टेंस है तो खाया ये अलफ या ये डिटर्मन करता है कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है अब देखना है इसका सेकंड स्टेप क्या है सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट है मैं वैसे तकरीबन तमाम टेंसेज में जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब वेरी कर सकता है कोई मुख्तलफ़ वर्ब आ सकता है लेकिन पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यहाँ सब्जेक्ट कोई भी हो हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है मैंने सेब खाया आई एट सेकेंड फॉर्म ईट की एट एन ऐप्पल अगर हमने नगेटिव बनाना है तो ये देखें सब्जेक्ट के बाद हम डिट नाट लगाएंगे और ये वाली जो सेकेंड फॉर्म यूज़ की थी वो फर्स्ट फॉर्म यू फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी यानि ये एट डेड नाट लगा के ईट हो जाएगी आई डिड नाट ईट एन ऐप्पल आई डिड नाट ईट एन एप्पल अब अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस डिड हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और आई जो है वो अंदर आ जाएगा उसकी जगह पर आ जाएगा डिड आई ईट एन ऐपल तो यहाँ से एक बात का यह भी पता चला कि पास्ट इंड डेफिनेट टेंस में सेकेंड फॉर्म सिर्फ सिंपल सेंटेंस में यूज़ होती है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होती है नेगेटिव में जो मेन वर्ब है ये फर्स्ट हो जाएगा ये देखें डिड नॉट ईट इंट्रोगेटिव में भी डिड आई ईट फर्स्ट फॉर्म हो गई असल में वो ये वाली सेकेंड फॉर्म यहाँ आ गई डिड सेकेंड फॉर्म है डू की या डज़ की डू और डज़ दोनों की सेकेंड फॉर्म डिड होती है तो अब और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं सेंटेंस नंबर वन हमने आज बहुत से सवाल हल किए वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस किए किए से पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है सेकेंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है हम हम की इंग्लिश वी वैसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो हमने सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करनी है हल करना सॉल्व वी सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे वी सॉल्व अ लाट ऑफ क्वेश्चन टुडे सेंटेंस नंबर टू वो मेरा नाम भूल गया वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस सेंटेंस के एंड से पता चलती है किसी भी सेंटेंस के एंड से पता चल सकती है गया यानि ये अलिफ या तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया और सेकेंड स्टेप में इसका सब्जेक्ट क्या है वो और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम हर सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं ही फोगाट My name. He forgot my name. Sentence number three. Aslam ne jhoot nehi bola. First step. That is the identification of tense. Bola. Alif तो ये पास्ट टेंस है अब सेकंड स्टेप में इसका सब्जेक्ट क्या है असलम असलम के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं ये लेकिन देखिए ये नहीं नेगेटिव है तो असलम के बाद फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव में हम डिड नाट यूज़ करते हैं असलम डिड नाट अब आपको याद होगा जब डिड नाट लगा देते हैं फिर टोल्ड की बजाय सेकंड फॉर्म की बजाय फ़र्स्ट फॉर्म हो जाएगी ये देखें ये सिंपल सेंटेंस था मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ये सिंपल सेंटेंस था फोगाट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ये टेल मेन मेन वर्ब है लेकिन डिड नॉट लगाने की वजह से अब ये हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे असलम डिड नॉट टेल अय असलम डिड नॉट टेल अलाय सेंटेंस नंबर फोर क्या उस्ताद ने आज नया सबक पढ़ाया फर्स्ट स्टेप दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस पढ़ाया ये अलिफ या तो पता चला ये प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है फिर देखना है कि इसका फ़र्स्ट वर्ड क्या है इसका सब्जेक्ट क्या है वो क्या है क्या जिस सेंटेंस के भी स्टार्ट में हो आप वक्ती तौर पे समझें वो नहीं है तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा उस्ताद से उस्ताद ने आज नया सबक पढ़ाया ये सिंपल सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है तो द टीचर टॉट अब हम पहले इसका नेगेटिव बनाए ख्यालों में जहन में द टीचर टॉट नेगेटिव द टीचर डिड नॉट टीच इंट्रोगेटिव डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे डिड द टीचर टीच अ न्यू लेसन टुडे डिड द टीचर टीच अ न्यू लेसन टुडे सेंटेंस नंबर फाइव असलम ने इम्तहान में पहली पोजिशन हासिल की वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस की यानी छोटी ये की आ गया तो पास्ट इन टेंस देन वट इज़ द सेकेंड स्टेप दैट इज़ वट इज़ दब्जेक्ट सब्जेक्ट इज़ असलम यहाँ पास्ट इन डेफिनेट टेंस में सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो कोई भी नाउन हो कोई भी प्रो नाउन हो उसके बाद हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं असलम गाट फर्स्ट पोजिशन इन द एग्जामिनेशन असलम गाट फ़र्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन. वैसे ये फ़र्स्ट सेकंड थर्ड के साथ दा आता है लेकिन ग्रामेरियन बताते हैं अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के साथ हो तो इसके साथ हम दा यूज़ नहीं करते सेंटेंस नंबर सिक्स उसने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ टेंस वो लास्ट वर्ड डिटर्मन करता है कि या ये अलिफ या ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है सेकेंड स्टेप कि उसका सब्जेक्ट क्या है उसने उसने मतलब ही और वैसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो हमने उसके बाद सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है या डिड नाट लगा के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है जैसे ये नेगेटिव है ही डिड नाट एक्ट अपॉन माई एडवाइस ही डिड नाट एक्ट अपॉन माई एडवाइस याद रखें ये एडवाइस नाउन है ए डी वी आई सी ई एडवाइस नाउन और अगर ये वर्ब होता फिर ए डी वी आई एस सी होना था एडवाइस थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोनासीशन में नाउन हो तो एडवाइस और वर्ब हो तो एडवाइस जी की साउंड के साथ नंबर सेवन क्या कल बारिश हुई वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ टेंस हुई छोटी ये से पता चला ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है फिर देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ तो क्या लिखा है क्या को हम काट देंगे कल बारिश हुई मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था मौसम वक्त और बारिश वग़ैरह के लिए हम इट यूज़ करते हैं तो हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे कल बारिश हुई इट रेंड नेगेटिव, इट डिड नॉट रेन ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है डिड इट रेन येस्टरडे डिड इट रेन येस्टरडे एंड क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नंबर एट हमने पिछले साल एक नया घर खरीदा वट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस खरीदा अलिफ़ एंड पे आया है ख़रीदा पास्ट टेंस अब हमने देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है हमने वी वी खरीदा वर्ब है पिछले साल लास्ट ईयर वी परचस्ड आ न्यू हाउस लास्ट ईयर वी परचस्ड आ न्यू हाउस लास्ट ईयर सेंटेंस नंबर नाइन क्या दो घंटे पहले पुलिस ने हजूम को मुंतशिर ना किया What is the first step? That is the identification of tense kia. से पता चला ये अलिफ या ये अलिफ हो तो पास्ट इन डेफिनेट टेंस फिर देखना है कि किससे स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट क्या है क्या है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान ये भी होती है कि उर्दू फिक्रा के आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है अब हम क्या को यहाँ से काट देंगे वक्ती तौर पर दो घंटे पहले पोलिस ने हजूम को मुंतशर ना किया हम पहले इसका सिंपल बनाएंगे दें सब्जेक्ट पोलिस द पोलिस डिसपस्ट सेकेंड फॉर्म नेगेटिव पुलिस डिड नॉट डिस्पर्स इंट्रोगेटिव के लिए डेड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे डिड द पुलिस नॉट डिस्पर्स द क्राउड टू आर्स अगो डिड द पुलिस नॉट डिस्पर्स द क्राउड टू आवर्स ए गो डियर स्टूडेंट्स एक बात जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ी इम्पॉर्टेंट है अगली बड़ी क्लासेस में आपके करेक्शन में बहुत काम आएगी आप याद रखें जिस सेंटेंस के एंड पे येस्टरडे हो या जिस सेंटेंस में येस्टरडे यूज़ हो वो उसमें हमेशा हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं यानी सेकेंड फॉर्म यह देखें डेढ़ सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई अगर किसी सेंटेंस में लास्ट के साथ कोई वर्ड यूज़ हो जैसे लास्ट ईयर है यहाँ लास्ट मंथ हो सकता है लास्ट वीक हो सकता है उसके साथ भी हमेशा सेकेंड फॉर्म पास्ट इन टेंस यूज़ होता है इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में अगो यूज़ हो अगो का मतलब होता है अरसा पहले अब से मौजूद लम्हे से इतना अरसा पहले उसके लिए हम अगो यूज़ करते हैं तो अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे यूज़ हो लास्ट के साथ कोई वर्ड यूज़ हो या अगो हो तो उसके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं यह देखें डेड सेकंड फॉर्म परचेस सेकंड फॉर्म डेड सेकंड फॉर्म आई होप इसकी समझ आ गई होगी सेंटेंस नंबर टेन आलिया ने अम्मी का हाथ बटाया वट इज़ द फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ये अलिफ या बटाया पास्ट इन टेंस अब देखें सब्जेक्ट क्या है आलिया आलिया ये सिंपल सेंटेंस है आलिया के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे आलिया हेल्प्ड हर मदर आलिया हेल्प्ड हर मदर लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स सेंटेंस नंबर इलेवन क्या आपने तमाम तारीखी मकामात की सैर की वट इज़ द फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस की की से पता चला ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है अब देखें इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ क्या लिखा है अब आपको पता चल गया होगा ना कि मैं क्या के साथ क्या हाल करता हूँ आपके साथ मिलके हम क्या का ऐसे कुछ उम्र निकाल देते हैं उसको वक्ती तौर पे ख़त्म कर देते हैं आपने तमाम तारीख़ी मकाम की सैर की ये सिंपल सेंटेंस हो गया आपकी इंग्लिश यू यू सैर की विजिटेड नेगेटिव पास्ट पास्टेफिनेट टेंस के इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने थ्री स्टेप्स फॉलो करने हैं नंबर वन उसका सिंपल बनाएं यू विजिटेड नेगेटिव बनाएं यू डिड नॉट विजिट अब विजिटेड विज़िट में चेंज हो जाएगा सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी उससे पहले हम क्या की वजह से डिड लगाएंगे डिड यू विजिट ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसिस डिड यू विजिट ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसिस सेंटेंस नंबर ट्वेल्व असलम और अली ने एक दूसरे की मदद की वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ टेंस की से पता चला ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस है अब देखना इसका सब्जेक्ट क्या है असलम और अली ये दो हो गए प्लूरल हो गए लेकिन यहाँ पास्ट इन टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है ये फ़र्क ख़ास तौर पे पड़ता है प्रेजेंट इन टेंस में बहुत ज़्यादा पड़ता है प्रेजेंट कन्टीनस में भी पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिनस में भी पड़ता है और दीगर टेंसिस में भी पड़ता है लेकिन पास्ट इन टेंस में सब्जेक्ट के होने किसी किस्म के भी सब्जेक्ट के होने से फ़र्क नहीं पड़ता असलम और अली ने एक दूसरे की मदद की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे असलम एंड अली हेल्प्ड ईच अदर असलम एंड अली हेल्प्ड ईच अदर यह बात आपने याद रखनी है असलम एंड अली चुके दो थे तो उनके दरम्यान कोई बात हो तो हम ईच अदर यूज़ करते हैं अगर यहाँ दो से ज्यादा होते तो फिर हमने वन एन अदर यूज़ करना था उन तमाम लड़कों ने एक दूसरे की मदद की दे ऑल हेल्प्ड वन एन अदर दे ऑल हैल्प्ड वन एन अदर या दे हेल्प्ड वन अन अदर जिसमें पता हो कि दो से ज़्यादा हैं सेंटेंस नंबर थर्टीन क्या उन्होंने हमारी दावत कबूल नहीं की वट इज़ द फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस की से पता चला पास्ट इनडेफिनेट टेंस है सब्जेक्ट क्या है इसका यहाँ तो क्या लिखा है क्या को हम समझेंगे नहीं है ऐसे ख्यालों में जहन में इसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे उन्होंने हमारी दावत कबूल नहीं की और यहाँ तो ये नेगेटिव भी है हमने पहले इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उन्होंने हमारी दावत कबूल की दे एक्सेप्टड नेगेटिव दे डिड नाट एक्सेप्ट इंट्रोगेटिव हम डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे डिड द एक्सेप्ट आर इन्विटेशन जब किसी सेंटेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की शक्ल में हम डिड यूज़ करेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी डिड द नाट एक्सेप्ट आर इन्विटेशन एंड नेवर फो गेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंट्रोगटिव सेंटेंसेस हियर एंड हियर एज वेल सेंटेंस नंबर 14 मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस उड़ाया ये अलिफ या तो कौन सा टेंस हुआ पास्ट इनडेफिनेट टेंस फिर सेकंड स्टेप इसका सब्जेक्ट मैंने आई यहाँ आई और यह कोई भी सब्जेक्ट हो हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं और ये नेगेटिव है आई डिड नाट मेक फन ऑफ हिम। आई डिड नॉट मेक फन ऑफ हिम। सेंटेंस नंबर फिफ्टीन क्या मेहमान खसूसी ने इनामत तकसीम किए फर्स्ट स्टेप किए से पता चला ये पास्ट टेंस है सेकंड स्टेप इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ क्या है क्या को समझें यहाँ नहीं है मेहमान खसूसी ने इनामात तकसीम किए द चीफ गेस्ट नेगेटिव द चीफ गेस्ट डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट इंट्रोगटिव डिड को सेंटेंस के हम स्टार्ट में लिख देंगे डिड द चीफ़ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज

क्यों के साथ हम क्या करेंगे हम समझेंगे क्यों यहाँ नहीं है या डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड हो क्यों कब कैसे कहाँ तो वो समझे नहीं है तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस आएगा आपने मेरी कुर्सी तोड़ी इसकी इंग्लिश करना नस्बता आसान है डियर स्टूडेंट्स याद रखें जब भी आप पास्ट इन डेफिनेट टेंस करने लगें तो पास्ट इन डेफिनेट टेंस में अगर डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड हो तो उन स्टेप्स को फॉलो करें जो मैं करने जा रहा हूँ मैं डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड किसी सेंटेंस में हो तो फोर स्टेप्स में वो सेंटेंस करता हूँ वट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि हम इसकी सिंपल इंग्लिश बनाएंगे आपने मेरी कुर्सी तोड़ी यू ब्रोक माई चेयर नेगेटिव सेकेंड स्टेप यू डिट नाट ब्रेक माई चेयर अब यह ब्रोक सेकेंड फॉम डिट नाट की वजह से फर्स्ट फॉर्म ब्रेक में चेंज हो जाएगी यू डिड नॉट ब्रेक माई चेयर इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे डिड यू ब्रेक माई चेयर अब ये थर्ड स्टेप हो गया फोर्थ स्टेप में देखें कि यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड क्या था क्यों क्योंकि इंग्लिश होती है वाई तो डिड से पहले यहाँ वाई लिख दें वाई डिड यू ब्रेक माई चेयर मैं क्यों कहता हूँ कि स्टेप्स को ऐसे फॉलो करें अक्सर बच्चे ऐसे लिखते हैं वाई यू ब्रोक माई चेयर वो सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं लेकिन डिड जल्दी में भूल जाते हैं चूँकि उन्होंने स्टेप्स नहीं फॉलो किए होते तो आपने हमेशा ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना है वाई डिड यू ब्रेक माई चेयर अगर होता आपने मेरी कुर्सी कब तोड़ी तो कब की इंग्लिश है वैन तो यहाँ इंट्रोगेटिव से पहले वैन लिख दें वैन डिड यू ब्रेक माई च अगर होता आपने मेरी कुर्सी कैसे तोड़ी तो यहाँ कैसे की इंग्लिश होती है हाउ तो यहाँ वाई से पहले हाउ लिख दें हाउ डिड यू ब्रेक माई चे? अगर होता आपने मेरी कुर्सी कहाँ तोड़ी तो वेयर डिड यू ब्रेक माई चेयर आई होप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो फिर इनशाला गलती नहीं होगी सेंटेंस नंबर एटीन सारा ने चावल कैसे पकाए वट इज़ द फर्स्ट स्टेप पकाए पास्ट इनडेफिनेट टेंस सारा के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ कैसे आ गया ये बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस है जैसे ये सेंटेंस नंबर सिक्सटीन था आपने मेरी कुर्सी क्यों तोड़ी हम यहाँ भी वही फोर स्टेप्स फॉलो करेंगे हम समझेंगे कैसे नहीं है सारा ने चावल पकाए फर्स्ट स्टेप सारा कुकड सेकेंड स्टेप सारा डिड नाट कुक थर्ड स्टेप डिड सारा कुक उससे पहले फोर्थ स्टेप में हम कैसे की इंग्लिश हाउ लगा देंगे हाउ डिड सारा कुक राइस हाउ डिड सारा कुक राइस सेंटेंस नंबर 19 ऑफिसर ने उसको क्यों तब्दील किया किया पास्ट टेंस की ये पहचान होती है ऑफ़िसर के साथ हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे लेकिन यहाँ भी क्यों है डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है इसको हम ख़त्म कर देंगे तो सेंटेंस होगा ऑफिसर ने उसको तब्दील किया हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे द फर्स्ट स्टेप द ऑफिसर ट्रांसफर्ड सेकेंड स्टेप ऑफिसर डिड नाट ट्रांसफर थर्ड स्टेप डिड को हम स्टार्ट में लिख देंगे डिड द ऑफिसर ट्रांसफर उससे पहले हम क्योंकि इंग्लिश वाई लिख देंगे वाई डिड द ऑफिसर ट्रांसफर हिम वाई डिड द ऑफिसर ट्रांसफर हिम एंड नेवर फोगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ऑल द इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस डियर स्टूडेंट्स आई एम श्योर यू माइट हैडरस्टुड टू डे इज टेंस पास इन डेफिनेट टेंस डियर स्टूडेंट्स इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम if you have any question you may comment in the comment section below i'll be there to answer your questions till some next lecture take a very good care of yourself and your dear ones thank you very much